हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू पीपल आर वेरी वेल। फ्रेंड्स, पहले तो आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। ईश्वर करे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो और ये दिन आपके लिए बहुत शुभ रहे। फ्रेंड्स, आज मैं आप जो आप लोगों के सामने वीडियो लाई हूँ, मैं इसमें आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप बच्चों को पढ़ाने से पहले कैसे एक लेसन प्लान तैयार करें, जिसमें आपको खुद पता हो कि आपको बच्चे को क्या चीज़ पढ़ाना है और किस तरह से पढ़ाना है, आपका पढ़ाने का तरीका उसके अंदर लिखा हो, जिससे पढ़ाई बहुत इंटरेस्टिंग रहे बच्चे को समझाने के लिए। और कोई पॉइंट्स ऐसा तो नहीं जो आपसे छूट गया हो, जो पढ़ाई को और भी इंटरेस्टिंग बना सकती हो। तो इसमें जैसे ये डायरी है, इसमें हर हफ्ते का आप एक हर सब्जेक्ट का जो है लेसन प्लान तैयार कीजिए, बच्चे को क्या चैप्टर पढ़ाना है, कौन से सब्जेक्ट का पढ़ाना, और उस टॉपिक को जो आपका समझाने का तरीका है उसके इंटरेस्टिंग पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ आपके क्या हैं, जिस तरह से बच्चे को अच्छे से समझ आए वो लिखना है आपको। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, जीके में ये चित्र लगे हुए हैं, क्लॉक बना है, स्नेक बना है और कैट बनी है। तो पिक्चर्स के ज़रिए बच्चे बहुत अच्छे से समझ जाते हैं पहले तो। और इसमें ये है कि साउंड 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 द टॉपिक इज साउंड साउंड साउंड, डिफरेंट जो चीज़ें होती हैं उनकी साउंड को क्या कहा जाता है उसके बारे में। तो क्लॉक की जो साउंड होती है उसको टिकिंग कहते हैं, स्नेक की साउंड को हिजिंग कहते हैं, कैट की प्यूरिंग कहते हैं, इस तरह से अलग अलग साउंड को जो है बता रखा है। एंड इसमें आप देखिए SST में, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो है सीज़न के ऊपर जो साइड में ऐसे लगा हुआ है, पिक्चर्स लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं बच्चा आइसक्रीम खा रहा है, हाथ में उसके आइसक्रीम है और उसने हॉट समर सीज़न के कपड़े पहने हुए हैं, दिस इज़ कोल्ड ड्रिंक। तो ये जो है दर्शाता है कि आप हॉट में समर में किस तरह के कपड़े पहनते हैं और क्या चीज़ें आप लोग खाते हैं एंड कितने तरह के सीजन्स होते हैं, दिस इज़ हॉट, दिस इज़ रेनी सीज़न, दिस इज़ समर, दिस इज़ रेनी सीज़न, दिस इज़ स्प्रिंग सीज़न एंड दिस इज़ विंटर सीज़न। तो आप देख सकते हैं किस तरह से इसको हाईलाइट किया गया। दिस इज़ द इम्प्रेसिव वे टू टीच द स्टूडेंट्स हाउ यू कैन मेक द स्टडी वेरी इम्प्रेसिव फॉर द स्टूडेंट्स, इज अप टू यू। तो इसमें आप देखिए बच्चे ने जो है अम्ब्रेला यूज़ करा हुआ है और बारिश हो रही है, दिस इज स्प्रिंग, स्प्रिंग को समझाने का तरीका जिसमें पतंग उड़ाते हैं, मौसम जो है बहुत ही अच्छा होता है, ना बारिश होती ना धूप होती, अच्छी अच्छी हवा चलती है एंड फ्लावर्स खिलते हैं, फ्लावर्स ब्लोजम। ऐसे विंटर में बहुत ठंड होती है तो बर्फीले जगह पे बहुत ज़्यादा मोटे कपड़े पहनते हैं, जिस तरह से माउंटेन्स दिखाए गए शो करता है कि आप जो है बहुत ठंडे इलाके में हैं। तो इस तरह से चारों सीजन्स को हाईलाइट किया गया है। इस तरह से आप बच्चों को जो है पढ़ाने का जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो सबसे पहले इंटरेस्टिंग बनाएं और बच्चों के सामने उस चीज़ को रखें। ये देख सकते हैं आप, ये जैसे SST का है, इसमें है चैप्टर 14 आवर इंडस्ट्रीज, हमको चैप्टर 14 पढ़ाना है बच्चे को आवर इंडस्ट्रीज। एंड व्हाट इज इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज होता क्या है, तो द प्लेस वेयर नेचुरल रिसोर्सेज आर कन्वर्टेड इनटू द यूजेबल आइटम्स आर कॉल्ड इंडस्ट्रीज, जहाँ पर प्राकृतिक खाद्य पदार्थों को किसी यूज़ करने वाले आइटम में चेंज किया जाता है उनको इंडस्ट्री कहते हैं। अब ये इंडस्ट्री कितनी तरह की होती हैं, 3 types ऑफ इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज इंडस्ट्रीज। इस तरह से उनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है जिससे बच्चे को बहुत अच्छे से समझ आए। जैसे कॉटेज इंडस्ट्रीज विच प्रोड्यूस गुड्स ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल एंड स्मॉल इंडस्ट्री अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ऑन अ स्मॉलर स्केल एम्प्लॉयज फ्यूअर पीपल एंड नीड्स अ लोअर इन्वेस्टमेंट, इसमें कम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है और कम लोगों की ज़रूरत होती है। एंड लार्ज इंडस्ट्रीज अ लार्ज स्केल इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ऑन अ लार्ज स्केल एम्प्लॉयज
a large workplace and needs a huge industries. तो आप huge investment, तो आप समझ सकते हैं कि इन तीनों में क्या differences है. अब यहाँ पे कपड़ों को highlight किया गया है and कहा गया है कि cotton textile industry is a large industry in our country. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो होती है कपड़े की, कॉटन की जो टेक्सटाइल, टेक्सटाइल मीन्स कपड़ों से होता है, तो कॉटन का जो इंडस्ट्री है हमारे इंडिया में, हमारी कंट्री में बहुत ही बड़े स्केल पर होता है. इट्स अ लार्ज इंडस्ट्री इन आवर कंट्री. एंड टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री फिर से इसको ऐसे एक्सप्लेन करा हुआ है. एंड चित्रों से, चित्रों के माध्यम से बच्चों को बहुत ही अच्छे से समझ आ जाता है, वे इंटरेस्ट लेने लगते हैं. तो इट्स वेरी नेसेसरी टू शो देम द पिक्चर्स और